वाईफाई बंद कर दो करीब गिरे अपना वीडियो उठा रहे थे हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अमूल लाइव वीडियो में आप सबका स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक स्मिता जी, दीपा जी और निधिरा जी, जिन्होंने मुझे लाइव करने की ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पर परमिशन दी। आप सबकी मैं आभारी हूँ और अमूल की सबसे ज्यादा। आज हम अमूल के सारे प्रोडक्ट्स को लेके अपनी रेसिपी बनाएंगे। पीटा पॉकेट्स बनाएंगे हम पनीर स्टफिंग के साथ। और आई एम पल्लवी फ्रॉम सूरत। चलो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। अभी ये होल व्हीट पीटा पॉकेट्स बनाना है ना, तो डो रेडी किया है। गेहूं के आटे का डो है। 1 कप आटे में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, सॉल्ट, नमक और दही और पानी से आटा गूंथा है। तो हम आपकी पॉकेट बनाने के लिए रोटी बनाएंगे।
हम सबसे इजी तरह से ये रोटी बनाएंगे। और ये पूरी रेसिपी है ना, वो होम मेड इंग्रेडिएंट से ही बनेगी। अभी मैंने डो बना के रखा है, डो रोटी बना के रखी है। हमें पॉकेट्स चाहिए, सो दो रोटी को साथ में फिर बाद में बेलेंगे तो अच्छी तरह से पॉकेट बन जाएंगे। सबसे इजी और यूनिक मेथड है ये। अब ये रोटी की कॉर्नर पे पानी लगाएंगे जैसे वो चिपक जाए। इसको अच्छी तरह से सील कर देंगे। इसमें कमेंट्स करो। थैंक यू अमी। ये रोटी को थोड़ी हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। हाय जिग्ना बेन, देखो कितनी अच्छी तरह से फूल गई है। इसी तरह से हम दूसरी भी बना लेंगे। धीरे धीरे बीमारी।
इसे भी हम सील कर देंगे प्रेस करके। थैंक यू निधि बेन। कला थैंक यू, अमी थैंक यू। रमन जी थैंक यू। બીજી રોટી પણ આપણી સરસ ફૂલી ગઈ છે, પોકેટ્સ રેડી કરીશું આમાંથી આપણે। અબ હમ સ્ટફિંગ કી તૈયારી કરેંગે। યે અમૂલ કા પનીર હૈ, फ्रेश मलाई पनीर है। छोटे छोटे कट्स करेंगे। अभी हम अपनी जरूरत के हिसाब से ही करेंगे, थोड़ा रहने देंगे। पनीर के साथ हम इसमें कैबेज डालेंगे, लंबी कटी हुई, अपने हिसाब से डालनी है। कैप्सिकम डालेंगे, लुक भी अच्छा रहेगा, टेस्ट भी अच्छा रहेगा। और कैरेट्स, थोड़े हरा धनिया चॉप किया हुआ। स्टफिंग में ज्यादातर लोग मेयोनीज यूज करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे अमूल के चीज स्प्रेड और दही से करेंगे।
स्टफिंग बनाएंगे जो हेल्दी वर्जन रहेगा। स्पाइसी गार्लिक वाला चीज स्प्रेड है ये, और अभी ये दही लेंगे अमूल का मस्ती। दो चम्मच फिर जरूरियत के हिसाब से ऐड करेंगे। थोड़ा दही और ऐड करेंगे और चीज स्प्रेड भी। ग्रीन चिली पेस्ट है ये, थोड़ी डालेंगे। मिक्स हर्ब्स है, इसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। चिली फ्लेक्स है, ये पेपर पाउडर है, और सॉल्ट डालेंगे। वो टेस्ट अकॉर्डिंग टेस्ट डालेंगे क्योंकि वो चीज स्प्रेड में भी होगा। अब ये सब मिक्स कर देंगे। इतना अच्छा मिक्स हो गया ये, अमूल दही और चीज स्प्रेड से ही बाइंडिंग आ गया है इसका। अब इसको हम इस बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। ये रोटी काटेंगे, हमें पॉकेट्स चाहिए ना, तो इसको बीच में से ऐसे काट के पॉकेट्स बनाएंगे। देखिए अच्छी तरह से पॉकेट बन गए हैं। अभी ये पॉकेट्स को थोड़ा बटर में सेक लेंगे।
इससे इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा, लुक भी बढ़ जाएगा। अम्मी आप इधर आ जाओ, आई एम वेटिंग फॉर यू। सूरत में ही हो तो आ जाओ, अभी तो बारिश भी थम गई है थोड़ी। हाँ आओ आओ कला आओ। सर्विंग प्लेट ले। अब हम ये पॉकेट्स फिल करेंगे। जरा अच्छी तरह से हैंडल करना पड़ेगा, गर्म है। निकिता मोदी, हाय निकिता, શું કહી છે? વોટ ઇઝ ઈ ટેલિંગ? તમારા ઘરના લોકોને મજા છે ખાવાની? યસ યસ ઓફકોર્સ, બિન્નીને પણ। આજ બિન્ની કી ડોટર હે કેમેરામેન। ये अमूल की सब चीजों से बनाया है तो वो बहुत ही बढ़िया टेस्ट में आता है। अच्छी रेसिपी बाद में करेंगे। आप इसमें टिक्की बना के भी रख सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही इतना अच्छा लगता है, टिक्की की कोई जरूरत नहीं है। ज्यादातर ये फलाफल में रखते हैं पीता पॉकेट्स, ये अपना देसी तरीके का पीता पॉकेट्स है। अमूल पनीर स्टफ पीता पॉकेट्स। खुशबू भी अच्छी आ रही है अभी तो। अब प्रेजेंटेशन करेंगे। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको पिज़्ज़ा पॉकेट्स? वैसे बहुत ही बढ़िया लगता है, जरूर ट्राई करना आप।
वंस अगेन थैंक यू टू अमोल, स्मिता जी, निरीडा जी, दीपा जी, थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। बहुत जल्दी रेसिपी हो गई। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। फिनिश कर दो।